लोकसभा चुनाव का बिगुल बजने से ऐन पहले केंद्र की मोदी सरकार ने देश में नागरिकता संशोधन कानून को लागू कर दिया। इस ऐलान के साथ ही ठंडे पड़े विपक्ष में उबाल आ गया और उसने सरकार की टाइमिंग पर सवाल खड़े कर दिए। माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में उतरने से पहले ये बीजेपी ने खास तौर पर मास्टर स्ट्रोक चला है। ऐसे में ये सवाल उठना भी लाजमी है कि सीएए के लागू होने से लोकसभा चुनाव पर क्या असर पड़ेगा। माना जा रहा है कि इसका सबसे ज्यादा प्रभाव पश्चिम बंगाल और असम की सियासत पर पड़ सकता है। बंगाल से खुद सीएम ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया है, तो वहीं असम में अखिल असम छात्र संघ ने विरोध करते हुए आंदोलन तेज करने का ऐलान कर दिया, जबकि केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने कहा है कि वो इसे अपने राज्य में लागू नहीं करेंगे। काजे लागबे जे क्या रूल्सटा काल के केंद्रीय सरकार घोषणा करेछे आदौ एटा वैध किना आमार सन्देह आछे। कोनो क्लैरिटी नहीं, टोटल भावता, इलेक्शन आगे युद्ध युद्ध खेला। 19 साले ओ करेछिलो, 2019 साले एनआरसी नामे आसामे 19 लक्ष लोकर मध्य 13 लक्ष बांगाली हिंदू के बाद दिया होयेछिलो। अनेक मानुष दुखे आत्महत्या करेछिलो। आज के जे बीजेपी नेतारा बोलछेन क्या करे दिलाम, अधिकार दिए दिलाम, एबार आमी आपनादेर काछे कयेकटा क्वेश्चन करछि। तार माने एखन जारा जादेर दरखास्त करते बला होच्छे, तार माने तारा जेई दरखास्त करबेन संगे संगे तारा नागरिक थाका सत्त्वेओ आपनारा बेआईनी अनुप्रवेशकारी हये जाबेन। তাহলে আপনাদের সম্পত্তি কি হবে, আপনাদের চাকরি বাকরি কি হবে, আপনাদের ছেলে মেয়েদের পড়াশোনা কি হবে, সবটাই বেআইনি ডিক্লেয়ার হয়ে যাবে। আপনাদের কোনো অধিকার থাকবে না। এটা অধিকার কেড়ার কারার খেলা। লেকিন পশ্চিম বঙ্গাল মে এক তবকা এসা ভি হ্যায় জিসনে সিএএ কো লেকার জশ্ন মানায়া। পশ্চিম বঙ্গাল মে मतुआ समुदाय ने सीएए को लेकर खुशियां मनाई। दरअसल पश्चिम बंगाल में मतुआ समुदाय की बड़ी आबादी है और साल 2019 में बीजेपी ने मतुआ समुदाय से वादा भी किया था कि सीएए में उन्हें नागरिकता दी जाएगी। इसी वादे के चलते बीजेपी को पश्चिम बंगाल के विधानसभा और लोकसभा चुनाव में बढ़े हुए वोट शेयर के रूप में फायदा मिला था। माना जाता है कि बंगाल का सियासी गणित काफी हद तक मतुआ वोटों पर टिका रहता है। ऐसा भी दावा किया जाता है कि मतुआ वोट जिधर भी जाता है उस पक्ष का पलड़ा भारी हो जाता है। बंगाल में लगभग 1,80,00,000 मतुआ समुदाय के मतदाता हैं, जो किसी भी पार्टी की किस्मत चमकाने और बिगाड़ने का मादा रखते हैं। पश्चिम बंगाल के नादिया, उत्तर और दक्षिण 24 परगना और पूर्वी बर्दवान में मतुआ समुदाय का प्रभाव है। यहाँ की कम से कम 4 लोकसभा सीट में ये समुदाय अहम रोल निभाता है। बता दें कि मतुआ समुदाय बांग्लादेश से आए हुए हिंदू शरणार्थी हैं। जातियों की श्रेणी में इन्हें दलित समुदाय के तौर पर रखा गया है और नाम शूद्र कहा जाता है। पश्चिम बंगाल में 17% के करीब मतुआ समुदाय के लोग रहते हैं। बांग्लादेश से आए मतुआ समुदाय के लोग काफी समय से स्थायी नागरिकता की मांग करते रहे हैं। मतुआ समुदाय की तरह राजवंशी समुदाय को भी सीएए का लाभ मिलेगा। राजवंशी भी हिंदू हैं। 1971 के बाद से इन लोगों को अब तक नागरिकता नहीं मिली है। कूच बिहार, जलपाईगुड़ी, अलीपुरद्वार आदि में राजवंशी समुदाय की आबादी अच्छी खासी है। ऐसे में राजवंशी समुदाय का असर उत्तर बंगाल की 4 से 5 लोकसभा सीटों पर है। इस तरह राज्य की 1/4 लोकसभा सीटों पर सीएए कानून का सीधा असर है। सीएए के लागू होने से जहां बीजेपी को बड़ा सियासी फायदा मिलता दिख रहा है, जबकि पश्चिम बंगाल की सीएम के हालिया बयान ही ये बताने के लिए काफी हैं कि उनकी मुश्किलें बढ़नी शुरू हो गई हैं। यही वजह है कि ममता बनर्जी कह चुकी हैं कि सीएए को लागू नहीं होने देंगे।